हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी फेसबुक की आईडी कितने मोबाइल में लॉगिन है। अगर आपको जानना है आपकी फेसबुक की आईडी कितने मोबाइल में लॉगिन है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको सिर्फ 2 मिनट में पता लग जाएगा कि आपकी फेसबुक की आईडी कितने मोबाइल में लॉगिन है और आप वहां से लॉग आउट भी इजीली कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, कभी ना कभी हम अपनी फेसबुक आईडी को किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के मोबाइल में लॉगिन करते हैं और लॉग आउट करना भूल जाते हैं, तो वो लोग आपकी फेसबुक आईडी को मिसयूज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फेसबुक की आईडी कितने मोबाइल में लॉगिन है, और आप जिस मोबाइल में आईडी यूज़ नहीं कर रहे हो वहाँ से दोस्तों उसको लॉग आउट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी फेसबुक ओपन कर लेनी है। फेसबुक ओपन करने का दोस्तों आपको इस तरह से 3 लाइन पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है। आपको सेटिंग पर एक बार क्लिक करना है। फिर से दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग दिखेगी, उस पर दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में, सी मोर इन अकाउंट सेंटर। इस ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ चुका है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा आपको, वेयर यू आर लॉग्ड इन। ये दोस्तों आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर दोस्तों आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों की दोस्तों आईडी दिख रही है, तो हमें अभी फेसबुक की पता लगाना है, तो फेसबुक वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आ चुकी है कि आपकी आईडी किस किस मोबाइल में लॉगिन है। दोस्तों वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना, वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। मेरा 3 फ़ोन है, एक रियलमी 6 प्रो है और एक मेरा जो रियलमी 11 प्रो है और एक Xiaomi का रेडमी 8 है। ये हमारे ही फ़ोन है, तो यहाँ पर दोस्तों लॉगिन है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा नहीं है, तो हम दोस्तों इसको यहाँ से लॉग आउट करेंगे क्योंकि हमें इसमें लॉगिन नहीं रखनी है, क्योंकि हमारी आईडी को मिसयूज भी हो सकता है। तो आपको दोस्तों सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट नीचे दिख रहा है रेड कलर में, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद में जो आपको लग रहा है ये मोबाइल मेरा नहीं है, तो उसको आपको टिक कर देना है। मुझे ये एंड्रॉयड मेरा फ़ोन नहीं है। उसके बाद में ये रेडमी का 8 है, रियलमी का 11 प्रो प्लस है और रियलमी का 6 प्रो है, ये मेरे डिवाइस हैं, और उसके बाद ये एंड्रॉयड का मेरा नहीं है, तो यहाँ पर लॉग आउट पे सिंपल इसको टिक कर देना है और यहाँ पर लॉग आउट कर देना है क्योंकि हमें इसको नहीं रखना है। और दोस्तों इसके बाद में लॉग आउट फिर से कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो हमारा जो एंड्रॉयड का था डिवाइस वो यहाँ से लॉग आउट हो चुका है। और आपको यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद दोस्तों एक काम और करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका पासवर्ड चेंज कर लेना है। यहाँ पर चेंज पासवर्ड पे जाओगे, आप यहाँ पर इजीली अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे और अपना जो पुराना पासवर्ड है उसको चेंज कर लो। क्योंकि दोस्तों जो डिवाइस आपने लॉग आउट की है अगर वो दोबारा से एक्सेस करना चाहे तो आपका पासवर्ड डाल के दोस्तों एक्सेस कर सकता है, तो इसीलिए दोस्तों पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।